नमस्कार मित्रों, आज मैं आपसे आपका जो लंग फंक्शन है उसको कैसे इम्प्रूव करें। कोरोना इन्फेक्शन हुआ तो आपका सैचुरेशन, जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो कैसे बढ़ाएं, या आप कोरोना वायरस से ठीक हो गए और आपने जो लंग है उसको जो ओरिजिनल स्टेट पे कैसे लाए, उसके बारे में चर्चा करने के लिए आया हूँ। तो आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस अपना जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है और कुछ लोगों का लंग है उसको अफेक्ट करता है, और लंग अफेक्ट होने की वजह से हमारा जो ऑक्सीजनेशन है ब्लड का वो हैम्पर होता है और हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो कम हो जाता है, और ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है। यदि आप अपना जो लंग है उसको अच्छे से ध्यान दें, उसका एक्सरसाइज करें, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, तो आपका जो लंग कैपेसिटी वो इंक्रीज हो सकता है, आपका जो सैचुरेशन है वो बढ़ सकता है। अभी नॉर्मली क्या करते हैं, हम जो ब्रीदिंग करते हैं बहुत हम शालो ब्रीदिंग लेते हैं, उसके वजह से बहुत सारा लंग का पार्ट है वो वेंटिलेट होता नहीं, और उसकी वजह से क्या होता है कि वो पार्ट वहाँ तक अच्छे से ऑक्सीजन पहुँचता नहीं, वो पार्ट बहुत सालों तक काम में नहीं आता, और ऐसा ही पार्ट है कि जो इन्फेक्शन है कोरोना इन्फेक्शन या बहुत सारा अदर इन्फेक्शन उसमें अफेक्ट हो जाता है। तो हम कैसे अपना जो लंग है उसको अच्छे से वेंटिलेट करें, अच्छे से वेंटिलेट करने की वजह से हमारा जो ऑक्सीजन सैचुरेशन वो कैसे बढ़े, तो इसका हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैं आपको चार टाइप की ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्राणायाम मैं बताने वाला हूँ। पहला है उसको डीप ब्रीदिंग या डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग बोलते हैं। उसमें क्या है कि हमको धीरे धीरे इंस्पिरेशन लेना है और धीरे धीरे एक्सहेलेशन करना है। हम जब इनहेलेशन करते हैं तो हम 1, 2, 3, 4 तक काउंट करना है, और जब हम एक्सहेलेशन करते हैं तब 4, 3, 2, 1 का काउंट करना है, वो मन में ही करना है। तो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। ओके, तो इसको डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग बोलते हैं। तो ये जब आप प्राणायाम करते हैं तो आप बैठ के और जो बैक है वो इरेक्ट रहना चाहिए। ओके, और जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारा जो लंग है और हमारा एब्डोमेन है बाहर आना चाहिए। ओके, तो इससे हम अच्छी तरह से अपने लंग को एक्सपैंड कर सकेंगे, हमारा पूरा जो लंग है उसको वेंटिलेट कर सकेंगे। तो आप यदि आप ये 5 मिनट डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करेंगे तो आपका सैचुरेशन बढ़ेगा। मैंने मेरा जो पल्स ऑक्स है मैंने मॉनिटर किया, जब मैं ऐसा ही रेस्ट में शालो ब्रीदिंग कर रहा था तो सैचुरेशन 96 दिखा रहा था, और जब मैंने ये डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग किया तो सैचुरेशन 99 हो गया, 3% से बढ़ गया। तो 3% मीन्स कितना हो गया, आजकल ऑक्सीजन की इतनी किल्लत है, यदि 3% से आपका यदि बिना ऑक्सीजन का डीप ब्रीदिंग से बढ़ रहा है तो फिर कितनी अच्छी बात है। तो दूसरा टाइप का जो एक्सरसाइज है उसको अनुलोम विलोम बोलते हैं। इसमें क्या है करते हैं कि एक नॉस्ट्रिल से ब्रीदिंग लेते हैं, दूसरे नॉस्ट्रिल से छोड़ते हैं, फिर उसी नॉस्ट्रिल से इनहेल करते हैं, दूसरे नॉस्ट्रिल से छोड़ते हैं, फिर से वही नॉस्ट्रिल से इनहेल और दूसरे नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ। तो एक नॉस्ट्रिल से कुछ टाइम पहले एक्सहेल करते हैं लोग और फिर इनहेल करते हैं, एक्सहेल, इनहेल थ्रू द सेम नॉस्ट्रिल, एक्सहेल विद अदर नॉस्ट्रिल, again inhale to the same nostril,
exhale through the other nostril. यदि आप ये अनुलोम विलोम 5 मिनट तक करेंगे तो आपका सैचुरेशन बहुत बढ़ेगा। द थर्ड टाइप है, उसको हम भ्रमरी और हमिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं कि हम डीप इंस्पिरेशन लेना है और जब हम एक्सहेलेशन करते हैं तब हमिंग जैसा साउंड निकलना है। तो आपको मैं डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। तो ये जो हमिंग है आप 5 मिनट तक कर सकते हैं। अभी जो नेक्स्ट प्राणायाम है उसमें हम अपने जो शोल्डर मसल है उसका भी यूज करेंगे। और जब हम हैंड रेज करते हैं तो हमको इनहेलेशन करना है और हैंड डाउन करते हैं तो एक्सहेलेशन करना है। इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। यदि आप यदि ये 5 मिनट तक करेंगे तो आपका जो ऑक्सीजन सैचुरेशन वो बढ़ेगा, आपके शोल्डर मसल जो चेस्ट मसल है वो स्ट्रांग बन जाएंगे। सो दोस्तों, यदि आप ये 4 प्राणायाम है ये बहुत ही इजी करने को है, आप इजीली कर सकते हैं। 5-5 मिनट हर प्राणायाम किया, 2 बार किया या 1 भी बार किया, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये जो आपका जो लंग है ये स्ट्रांग बना रहेगा, आपका जो कोरोना इन्फेक्शन है वो होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। यदि हुआ है तो आपका सैचुरेशन बढ़ेगा और यदि आप रिकवर हो रहे कोरोना से तो जल्दी रिकवर हो जाएंगे। तो मित्रों, आप ये प्राणायाम शुरू कीजिए। यदि हम मास्क पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, क्राउड की जगह जाने को अवॉइड करेंगे, यदि सैनिटाइजर का उपयोग करेंगे या ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे तो हम ये जो कोरोना के खिलाफ जो जंग है उसमें हम कामयाब होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, आपके कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। यदि आपको लगता है कि ये वीडियो से आपके रिलेटिव्स फ्रेंड्स उनको फ़ायदा हो सकते हैं तो उनको शेयर कीजिए। यदि आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियो आप बार बार जो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो आप उसको मिस ना करें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सुनील साबले है, मैं पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट और स्ट्रेस मैनेजमेंट कंसल्टेंट एंड वेलनेस कोच हूँ। मेरा बुक ओ स्ट्रेस गिव मी अ ब्रेक ये अमेजोन पे इंटरनेशनल नंबर 1 बेस्ट सेलर हो चुका है। उसमें मैंने जो हेल्दी लिविंग है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, उनके बारे में डिटेल में लिखा है। मैं हेल्थ एंड हैप्पीनेस कम्युनिटी का फाउंडर हूँ। यदि आपको अपनी हेल्थ को नेक्स्ट लेवल पे लेना है, यदि आपको हेल्दी हैप्पी एंड मोर फुलफिलिंग लाइफ जीना है, तो मैं आपको मेरे जो कम्युनिटी हेल्थ एंड हैप्पीनेस कम्युनिटी उसमें ज्वाइन होने का मैं निमंत्रण देता हूँ। यदि आपको उसमें ज्वाइन होना है तो जो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको क्लिक करके आप मेरे कम्युनिटी में ज्वाइन हो सकते हो। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।